वो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान कुल ऑफ एवरीथिंग, जहां पे हम ज्ञान बांटते रहते हैं। सो दोस्तों, हर जगह पे कोरोना वायरस फैला हुआ है और यही समय है कि जब वन प्लस ने सोचा है कि हाँ, आज हम एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे। लेकिन आज नहीं लॉन्च कर रहा है, अब वन प्लस लॉन्च कर रहा है शायद जून या फिर जुलाई में। सो कौन सा है स्मार्टफोन? सो ये इस स्मार्टफोन का नाम है वन प्लस जेड। वन प्लस जेड में ये पहली बार स्मार्टफोन है वन प्लस के सीरीज में जिसमें ये पहली बार मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा रहा है। इसका नाम शायद मीडियाटेक डायमेंशन 1000 ऐसा कुछ प्रोसेसर का नाम होने वाला है। बहुत से कंपनियों ने जेड सीरीज का उपयोग करने के बाद अब वन प्लस ने भी सोचा कि चलो हम भी इस जेड सीरीज के पीछे लगते हैं, और उसने भी जेड सीरीज का एक स्मार्टफोन लॉन्च करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे कि हमें पता है कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए ये अभी स्मार्टफोन तो लॉन्च होने वाला नहीं है। सो ये आएगा जुलाई के ऑलमोस्ट जुलाई 17 में आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। सो आज मैं आपको इसके कुछ स्पेक्स बताना चाहता हूं और ये स्मार्टफोन वर्थ इट है या नहीं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान कुल ऑफ एवरीथिंग, एंड चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा दोगे तो शायद मैं भी इस स्मार्टफोन को खरीद पाऊंगा। सो ये जो स्मार्टफोन रहेगा, ये मिड रेंज का स्मार्टफोन है, इसलिए इसमें कोई फ्लैगशिप के जो स्पेसिफिकेशन है ये नहीं होंगे। इसमें कोई ज़्यादा मतलब आग वाग कुछ लगाया नहीं गया है, इसलिए सिंपली रखा गया है। और ये वन प्लस के 8 सीरीज के पहले, मतलब अगर क्रोनोलॉजी देखा जाए तो वन प्लस के 8 सीरीज के पहले आएगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है कि इसे हम वन प्लस के 8 सीरीज या 8 प्रो के बाद लगाएं। सो वन प्लस ने ये सोचा है कि अभी तक उसने मिड रेंज की स्मार्टफोन नहीं बनाया है, सो अब ये पहली बार मिड रेंज स्मार्टफोन बनाने जा रहा है। लेकिन उसकी भी प्राइस अगर आप सोचो तो मिड रेंज स्मार्टफोन की प्राइस होती है कम से कम 15,000 से 20,000 के बीच, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है इसकी प्राइस होने वाली है ऑलमोस्ट 35,000। ये मतलब वन प्लस ने सोचा होगा कि यही तो मिड रेंज की प्राइस है यार, इंडिया की प्राइस तो यही है मिड रेंज की, कितने भी गरीब इंसान हो लेकिन अगर वन प्लस 35,000 भी अगर मिड रेंज में डाल दे तो लोग भाग के उसको लेने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मीडियाटेक वन प्लस ने पहली बार अपने स्मार्टफोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर लगाने की कोशिश की है। तो मीडियाटेक प्रोसेसर, इसका नाम मीडियाटेक डायमेंशन 1000 होने वाला है, जिसका दूसरा नाम मीडियाटेक MT6889 भी है। सो इसमें शायद हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिल सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। पूरा मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं है स्मार्टफोन, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आगे जितना मुझे अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो इसमें मीडियाटेक के प्रोसेसर के अलावा एक 6.4 इंचेस की फुल HD 1080p की एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और अगर हमें पता है एमोलेड स्क्रीन है तो फिर इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर स्क्रीन के नीचे होगा। सो ये दोनों चीज़ के बाद मेन चीज़ आती है हमारा कैमरा। तो कैमरा में वन प्लस ने इस बार जेड सीरीज में 48+16 मेगापिक्सल का कैमरा ड्यूल कैमरा पीछे देने की कोशिश की है, और फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा देने की कोशिश की है। सो हाँ, इस स्मार्टफोन में 5G का सपोर्ट होगा, लेकिन जैसे कि हमें पता है अभी तक हमारे इंडिया में 5G आया ही नहीं, तो फिर उसका कुछ उपयोग है नहीं। सो इसमें इसकी जो स्क्रीन की जो रिफ्रेश रेट है, ये 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होने वाली है, जैसे कि हमें पता है कि ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं है, तो इसमें 120 की हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट नहीं हो सकती। सो उसके बाद 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें होने वाला है, और इसमें क्विक चार्ज 30 वॉट का सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इस स्मार्टफोन में 30 वॉट के चार्जिंग के साथ इसकी बैटरी कैपेसिटी भी 4000 mAh की लिथियम आयन की बैटरी यूज़ की गई है इस स्मार्टफोन में। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम शायद कभी नहीं भूल सकते, वो है हमारा प्यारा हेडफोन जैक जो इस फोन में दिया गया है। सो इसमें 8GB रैम का सपोर्ट मिल सकता है, 8GB रैम के साथ इंटरनल स्टोरेज होंगी, इंटरनल स्टोरेज 128 से 250GB तक हो सकती है, और इसमें मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ डुअल सिम का सपोर्ट ही होगा। और इसमें एंड्रॉयड 10 हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों, एंड्रॉयड 10 हाँ इसमें आने वाला है, और ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन इस फोन के हमारे पास नहीं है। सो इसकी प्राइस की बात करता हूँ, तो इसकी प्राइस होगी कम से कम 34,990 से 34,000 या 35,000 के बीच होने वाली है। सो ये अगर हम ऐसे कहें तो जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस दिखाई, ये शायद अगर ऑन पेपर हम सुनने की बात करें तो हमें लगेगा कि कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि वहाँ एप्पल के भी हमने स्पेसिफिकेशंस देखे हैं जो बहुत ही घटिया होती है, लेकिन अगर हम उसकी क्वालिटी की बात करें तो आपको पता है दोस्तों, एप्पल सबका बाप है।
सो अगर हम ऐसे कहें तो फिर वन प्लस के भी जो कैमराज होते हैं और जो स्क्रीन की जो क्वालिटी होती है वो हमें पता है कि बहुत अच्छी होती है. तो हाँ, हम इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है. सो अब मेन बात पर आते हैं कि क्या आपको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और इज इट वर्थ इट टू बाय दिस स्मार्टफोन. सो मेरे मुताबिक मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए अगर आपका बजट 35,000 तक है और आप अगर वन प्लस के फैन हो तो आपके लिए ये स्मार्टफोन है. इसकी कैमरा क्वालिटी ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी है. मैं मतलब फ्लैगशिप का स्मार्टफोन से मैं इसे कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी अगर हम एक मिड रेंज स्मार्टफोन के हिसाब से अगर इसको सोचे तो फिर ये बहुत ही अच्छा कैमरा क्वालिटी इसकी हो सकती है. स्क्रीन एमोलेड है जो कि बहुत अच्छी बात है, और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है. फ्रंट कैमरा भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. प्लस बैटरी कैपेसिटी 4000 मिली एम्पायर की है, जो आपको ऑलमोस्ट एक दिन आराम से आप मल्टीटास्किंग करके भी बिता सकते हैं. प्लस 30 वॉट की चार्जिंग है, तो कम से कम 1.5 घंटे में तो आपका फ़ोन फुल चार्ज हो ही जाएगा. सो ये सब होने के बाद वन प्लस के अगर आप बड़े फ़ैन हो और आप अगर वन प्लस 8 प्रो या फिर जो आगे फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो जिसे आप नहीं खरीद सकते, तो फिर ये स्मार्टफोन आप ही लोगों के लिए है जो वन प्लस के फ़ैन है लेकिन बड़े स्मार्टफोन फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते. सो आई होप कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको पसंद आई होगी. और कोरोना वायरस की वजह से मैं ज़्यादा कुछ वीडियो बना भी नहीं पा रहा हूँ. मेरे पास आइडियाज़ बहुत हैं लेकिन चीज़ों की कमी है. जैसे कि आपको पता है, हम घर के बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर पुलिस खड़ी है. सो आज के लिए बस इतना ही. आप मुझे बताइए कि आपको वन प्लस की जेड सीरीज़ के बारे में कैसा क्या लगता है कि क्या ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन किलर हो सकता है और क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे. अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, गैंग कूल ऑफ एवरीथिंग को एक लाइक बटन तो ज़रूर दबाइए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. चलो दोस्तों, अब हम स्पेक्स की बात करते हैं. तो इसमें क्या था, भूल गया यार.